दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के 5 ऐसे देशों की जहां पे इंडियंस की संख्या सबसे ज़्यादा है। इससे पहले कि हम वीडियो में जाएं, आइए मैं आपको बता देता हूं कि यूरोपियन यूनियन है क्या। देखिए, यूरोपियन यूनियन जिसे यू भी बोला जाता है, वो 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है और ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में फ्री ट्रेड है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है एंड फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज है। तो आइए इन कंट्रीज पे नज़र डाल लेते हैं। ये कंट्रीज हैं ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गेरिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आयरलैंड है, इटली है, लेटविया है, लिथुएनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमेनिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है और स्वीडन है। अब देखिए, ये सारी हमने बात की ईयू की कंट्रीज़ की। इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज शेंगेन में है, लेकिन कुछ एक ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनके मैं नाम आपको बताना चाहूँगा जो शेंगेन में नहीं आती हैं, जिनके नाम अभी मैंने मेंशन किए हैं। जिन 27 कंट्रीज़ के, उनमें से शेंगेन में कौन कौन सी कंट्रीज़ नहीं आती हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। उनमें आयरलैंड नहीं आता है। आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन शेंगेन जोन में नहीं है। बुल्गेरिया भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन शेंगेन जोन में नहीं है। क्रोएशिया, वो भी ईयू का हिस्सा है लेकिन शेंगेन जोन में नहीं है। ऐसे ही रोमेनिया। तो 5 कंट्रीज हैं ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है ईयू कंट्रीज की, इनमें से जो शेंगेन जोन में नहीं आती हैं। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं ऐसी 5 कंट्रीज पे जहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन में मैक्सिमम है। तो शुरुआत करते हैं हम नंबर 5 से। नंबर 5 में जो कंट्री है उसके इंडिया से बहुत पुराने संबंध हैं और वो कंट्री है पुर्तगाल। देखिए, पुर्तगाल पिछले कुछ सालों में इंडियंस के बीच में बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, खासकर ऐसे लोगों के बीच में जो माइग्रेट होना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन में। इस समय पुर्तगाल में भारतीयों की जो संख्या है वो करीब 81,000 है। वो लिस्बन में रहते हैं, फारो में रहते हैं, पोर्टो में रहते हैं, एलग्रेव में रहते हैं और वो अलग अलग प्रोफेशंस में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में है, लोगों के अपने काम भी हैं वहाँ पे। अब देखिए, पुर्तगाल के साथ एडवांटेज ये है कि आप अगर वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, स्टडी वीज़ा पे आते हैं, तो भी आप वहाँ पे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट। अब बात करते हैं पुर्तगाल और इंडिया के कनेक्शंस के। अब देखिए, हुआ क्या, जो इंडिया का सी रूट है उसकी डिस्कवरी वास्को डी गामा ने की थी 1469 में, वो पुर्तगाल से था। और उसके बाद जो भारतीय राज्य था गोवा, वो काफ़ी लंबे समय तक पुर्तगीज कॉलोनी रहा। इंडिया वैसे तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा पे पुर्तगीज का शासन रहा। फाइनली पुर्तगीज 1961 में इंडिया छोड़ के गए और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, जिसके बाद पुर्तगीज ने सरेंडर कर दिया और गोवा भारत का हिस्सा बन गया। उसके बाद बड़ी संख्या में गोवा के लोग और दमन दीव के लोग, जो पुर्तगाल की टेरिटरीज थी, वहाँ के लोग पुर्तगाल आके बसे। अभी पिछले कुछ सालों में पंजाब से, केरल से और तमिलनाडु के लोग भी पुर्तगाल में आके बसे हैं। अब देखिए, अभी हम बात करते हैं पुर्तगाल में इंडियंस की, तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा, उनका भी गोवन कनेक्शन है और वो अब दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा एक फुटबॉलर रहे हैं सुनील छेत्री, उन्होंने भी पुर्तगाल के क्लब के लिए खेला है। और पुर्तगाल में जो पीआर है वो 5 साल में मिल जाता है, तो अगर आप ईयू में सेटल होने का सोच रहे हैं तो पुर्तगाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पुर्तगाल समुद्र से घिरा हुआ है,
मौसम भी भारत की तरह है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है जैसे यूरोप के और हिस्सों में पड़ती है। और पुर्तगाल बहुत ही मल्टीकल्चरल है। अभी देखिए कोरोना पैंडमिक का समय चल रहा है, तो कोरोना के समय पे पुर्तगाल ने क्या किया है, जो भी वहाँ पे रिफ्यूजीज हैं या इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि सबको रेजिडेंट्स वाली सुविधा मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बढ़ेंगे, अब हम जा रहे हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो कंट्री है उसके भी इंडिया से बड़े लंबे संबंध रहे हैं, और वो कंट्री है फ्रांस। देखिए फ्रांस जब ब्रिटिश इंडिया में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी बन के, तो फ्रांस की भी मौजूदगी थी फ्रेंच कंपनीज की भी। और जो टीपू सुल्तान थे, मैसूर के किंग जो थे, उनको सपोर्ट भी किया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने या फ्रेंच कंपनी ने ब्रिटिश फौज के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों के खिलाफ। इसके अलावा जो पौंडीचेरी है वो फ्रेंच कॉलोनी रहा। जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन पौंडीचेरी को फ्रीडम मिली 1954 में। और तो जब पौंडीचेरी आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो पौंडीचेरी के लोग थे उन्होंने फ्रांस माइग्रेट किया। फ्रांस में इंडियंस की संख्या इस समय 110,000 है, और जो इंडियंस हैं वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, और उसके अलावा उनके अपने बिजनेसेस हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की भी संख्या फ्रांस में लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय फ्रांस में तकरीबन 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। फ्रांस और इंडिया के मैंने अभी बात की थी कनेक्शंस की, इवन अभी आजकल के टाइम में भी बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, तो अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर डील है। इसके अलावा जो फ्रांस है उसने अभी इंडिया को राफेल फाइटर्स भेजे हैं। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स में आज 2000 यूज़ करती है वो भी फ्रांस में बने हुए हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, तो फ्रांस बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रांस में पीआर मिलने में 5 साल का समय लगता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने 2 साल से ज़्यादा का कोर्स किया है या 2 साल का कोर्स किया है, तो आप 2 साल के बाद भी पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में जो कंट्री है वो ऐसा कंट्री है जो टेक्नोलॉजी का सुपर पावर माना जाता है, इंजीनियरिंग का सुपर पावर माना जाता है। कंपनीज हैं वहाँ से, जैसे मर्सिडीज़ है, BMW है, सीमेंस है, वो उस देश की कंपनीज हैं। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। देखिए जर्मनी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकॉनमी है और सबसे बड़ा कंट्री भी है। पिछले कुछ सालों में जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। इस समय इंडियन स्टूडेंट्स करीब 18,000 हैं। जर्मनी में इंडियंस की जो आबादी है वो 1,85,000 है। और जर्मनी और इंडिया के भी हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं। अब जैसे जब इंडिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो कुछ क्रांतिकारी एलिमेंट्स थे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के, वो जर्मनी में बेस थे। जैसे हम बात करते हैं बर्लिन कमेटी की, जो 1914-15 में थी, जिनका मेन गोल था कि आर्म्स के थ्रू कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, तो वो जर्मनी में बेस्ड थी। इसके अलावा हमारे लीडर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं, सुभाष चंद्र बोस, वो जर्मनी में रहे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और उनका ये प्लान था कि जर्मन्स की सपोर्ट ली जाए ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने के लिए इंडिया में। और तो ये हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल संबंधों की इंडिया और जर्मनी के। देखिए जर्मनी रिफ्यूजीज़ को, माइग्रेंट्स को लेके बहुत ही ओपन कंट्री रहा है। और जब रिफ्यूजी क्राइसिस हुए थे 2015 में, तो जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को शरण दी थी, जिनकी संख्या थी 10 लाख। तो अगर आप एक ऐसा कंट्री ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको पीआर मिल सके और आप सेटल हो सके, तो वो जर्मनी हो सकता है। जर्मनी में 5 साल का समय लगता है पीआर में। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। ये जो कंट्री है ये बहुत ही पॉपुलर है पंजाब के फार्मर्स के बीच में। और इस कंट्री के साथ भी इंडिया के बड़े हिस्टोरिकल संबंध हैं।
इस कंट्री में इंडियंस की संख्या 2,05,000 है, और जो इंडियंस है वो एग्रीकल्चर में है, लेदर इंडस्ट्री में है, ट्रेडिंग में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। और ये जो कंट्री है इटली, इसके और इंडिया के मैंने जैसे बोला कि पुराने संबंध हैं। एक इटालियन ट्रैवलर था निकोलो कॉन्टी, वो विजयनगर किंगडम में उसने विजिट किया था 1520 में। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि इटली और इंडिया के बहुत हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, और प्रेजेंट में भी ये रिलेशंस हैं। तो अगर आप ऐसा कोई कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे आप माइग्रेट कर सकते हैं, भले ही आपकी स्किल्स बहुत हाई ना हो, तो इटली एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और इटली में भी पीआर में 5 साल लगते हैं, तो आप इटली भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एक ऐसे कंट्री की तरफ जो EU में नंबर 1 है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे भारतीय मूल के लोग कितने हैं। वो देश ऐसा है जहाँ पे खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन्स हैं, और उसकी जो राजधानी है वो पार्टी कैपिटल भी बोली जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स की, जिसको हॉलैंड भी बोला जाता है। अब नीदरलैंड्स में इस समय जो भारतीय हैं उनकी संख्या 2,40,000 है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इस 2,40,000 में से 2,00,000 ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन जो त्रिनिदाद से आते हैं, त्रिनिदाद वेस्ट इंडीज में पड़ता है, सॉरी सुरीनाम से आते हैं, सुरीनाम वेस्ट इंडीज में पड़ता है, और ये लोग पहले भारत से सुरीनाम गए, और जब 1975 में जब सुरीनाम आज़ाद हो गए, सुरीनाम डच कॉलोनी थे, तो ये लोग नीदरलैंड्स आके बस गए। इनको हिंदुस्तानी भी बोला जाता है, और ये 2,00,000 इनकी संख्या है। इसके अलावा 40,000 ऐसे लोग हैं जो इंडिया से गए हैं, और जो इंडियंस हैं वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, ट्रेडिंग में हैं, और जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, इंक्लूडिंग जो सूरीनाम से हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है। अब जो जैसे प्रोमिनेंट इंडियन की मैं बात करूँ तो उनका नाम है रविन बलदेव सिंह, जो डिप्टी मेयर रहे हैं हेग के। और जो नीदरलैंड्स हैं वो बहुत ही अच्छा कंट्री है, जैसे कंपनीज हैं जैसे फिलिप्स है, या फिर यूनिलीवर है, जैसे हम इंडिया में हिंदुस्तान लीवर के नाम से भी जानते हैं, ये कंपनीज नीदरलैंड्स में बेस्ड हैं। और नीदरलैंड्स में बहुत बड़ी संख्या में लोग अंग्रेज़ी भी जानते हैं। तो अगर आप एक वेस्टर्न यूरोप का कंट्री ढूंढ रहे हैं और आप हाईली स्किल्ड हैं, तो नीदरलैंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नीदरलैंड्स में भी PR में 5 साल का समय लगता है। तो ये मैंने जो भी आपको बताया, ये वो सारे टॉप कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के जहाँ पे इंडियंस की संख्या सबसे ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं इस तरीके की जानकारी आपके यहाँ शेयर करता रहूँगा। आप मेरा YouTube चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।